मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के जंगलात में लगी आग अमेरिका को भी मुतासर करने लगी। अमेरिका में शदीद फिजाई आलूदगी का इंतबाह जारी कर दिया गया। अमेरिकी सदर की कनाडा को जंगल की आग बुझाने में मदद की पेशकश। कनाडा के मरकजी बैंक ने बुध के रोज शरह सूद में 25 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। शरह सूद को 4.75% कर दिया। पियर पॉलिवर की हुकूमत पर तनकीद। पेंटागन में नामालूम परवाजों से मुतालिक बैन अल-अक़वामी मीटिंग में कैनेडियन नुमाइंदे की शिरकत। मीटिंग की तफसीलात खुफिया रखने का फैसला। फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस के ममालिक के नुमाइंदों को अमरीकी क़यादत में ब्रीफिंग पेश की गई। साबिक अमरीकी सदर पर रिपब्लिकन्स सदारती उम्मीदवारों की कड़ी तनकीद। अमरीका सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल। माइक पेंस की डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप अवामी मकबूलियत के सर्वे में बदस्तूर सरे फहरिस्त। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात जारी। एम्बुलेंस में मौजूद फैमिली को जिंदा जला दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतहरिफ ग्रुपों से हथियार डालने की अपील की है। फसादात के बायस 35,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के जंगलात में आग लगने से अमेरिका में भी شدید فضائی آلودگی کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ क्यूबेक और दीगर सूबों में जंगल की आग बेकाबू होने की वजह से मशरकी कनाडा और रियासत हाई मुतहदा के वसी हिस्से धुएं और कोहरे की लपेट में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई आलूदगी के बायस 10 करोड़ से ज्यादा अमरीकी मुतासर हैं। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक कनाडा में 400 से ज्यादा मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। 250 मकामात पर आग काबू से बाहर है। अब तक 65 लाख एकड़ रकबा जल चुका है। धुएं ने क्यूबेक, ऑन्टेरियो और उससे आगे कनाडा के बहुत से शहरों और कस्बों में हवा के मयार के इंतबाहात को जन्म दिया है और इसके नतीजे में न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन डीसी जैसी जगहों पर धुंधला हुआ आसमान और इंतबाहात पैदा हुए हैं। पूरे कनाडा में लोगों को जंगल की आग के मौसम का सामना करना पड़ रहा है और वफाकी हुकूमत के हुक्काम ने कहा है कि उनकी मॉडलिंग से पता चलता है कि अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में जंगल की आग का खतरा बढ़ गया है। आग लगने से कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा और सबसे बड़े शहर टोरंटो में भी हवा का मयार शदीद मुतासिर हुआ है। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों से गर्म और खुश्क मौसम का खतरा बढ़ रहा है। दूसरी जानब कनाडा के जंगलात में आग से अमरीका को शदीद फिजाई आलूदगी का सामना है। इस हवाले से हुकाम ने इंतबाह भी जारी कर दिया है। न्यूयॉर्क में हवा का मयार रिकॉर्ड बदतरीन सतह पर पहुँच गया। गवर्नर न्यूयॉर्क ने फिजाई आलूदगी को हंगामी बहरान करार दे दिया। न्यूयॉर्क के फिजा में आलूदगी जुमेरात की सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। कनाडा के मरकजी बैंक ने बुध के रोज शरह सूद में 25 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए उसे 4.75% कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के मरकजी बैंक ने बुध के रोज शरह सूद में 25 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए उसे 4.75% कर दिया है। कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर ने हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ मुआहदा करने के वादे को पूरा किया। हुकूमत को बजट पास करने से रोकने के लिए
घंटों बात करते हुए कहा कि वो कनाडा को मुकम्मल पैमाने पर मालियाती बहरान मिले जाएगा। ये पहला मौका है जब कनाडा के मरकजी बैंक ने जनवरी के बाद से अपनी रुझान साजी की शरह सूद में इजाफा किया है, जब बैंक ने इशारा दिया था कि वो शरह में इजाफे की अपनी जारहाना मुहिम को मशरूत तौर पर रोक देगा और इंतजार करेगा कि आया उसने अफरात ज़र को कम करने के लिए काफ़ी काम किया है। इसके बाद से डेटा ने कनाडा की मईशत को गैर मुतवक्के तौर पर लचकदार दिखाया है, क्योंकि इसमें तवक्को से ज़ायद इजाफा हुआ है। मुसलसल 9 माह तक गिरावट के बाद अफरात ज़र की शरह गैर मुतवक्के तौर पर पिछले महीने ज़्यादा हो गई। शरह सूद में इजाफे का फैसला ऐसे मौके पर हुआ जब गैर मुतवक्के तौर पर मईशत मुस्तहकम हुई है और महंगाई बदस्तूर बुलंद तरीन सतह पर है। बैंक ऑफ कनाडा ने बताया कि अगरचे दुनिया भर में मईशतों को सुस्त रवि का सामना है, ताहम कनाडा की शरह तरक्की रवां माली साल की पहली चौथाई में बढ़ती है। कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना था कि जस्टिन ट्रूडो, आप और आपके अखराजात कर्जों और टैक्सों के कंट्रोल से बाहर हमें एक मुकम्मल मालियाती बहरान की तरफ ले जा रहे हैं और मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। पॉलिवर ने कहा कि अप्रैल में अफरात ज़र में इजाफा लिबरल हुकूमत के खसारे को जारी रखने के फैसले का बराह रास्त नतीजा था, जिसके बारे में उनके बकौल मईशत में ज्यादा पैसा आता है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। कनाडा की हुकूमत ने रियासत हाय मुतहदा के फौजी हेडक्वार्टर में मुनक़िद होने वाली नामालूम परवाजों से मुतालिक अपनी नौयत की पहली बैन अलाक़वामी मीटिंग में शिरकत की तस्दीक की है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने रियासत हाय मुतहदा के फौजी हेडक्वार्टर में मुनक़िद होने वाली नामालूम परवाजों से मुतालिक अपनी नौयत की पहली बैन अलाक़वामी मीटिंग में शिरकत की तस्दीक की है। पेंटागन में गुज़िश्ता माह के आखिर में ये इज्तिमा वाशिंगटन में सरगर्मियों के एक फट और नामनिहाद नामालूम गैर मामूली मुज़ाहिर से मुतालिक चश्मे कुशा खबरों के दरमियान हुआ है। इसमें फाइव आइस इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस, जिसमें कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, के मुमालिक के नुमाइंदों को अमरीकी क़यादत में ब्रीफिंग पेश की गई। कैनेडियन डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के मुताबिक कनाडा ने मीटिंग में शिरकत की, जिसकी क़यादत रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के नुमाइंदे ने की। DND ने एक ईमेल में कहा, मीटिंग की तफसीलात की दर्जा बंदी बाकी है। इसकी खसूसियत UAP के मौजू पर मालूमात के इश्तराक के तौर पर की जा सकती है और इस वक्त मजीद तफसीलात शेयर नहीं की जा सकती हैं। इस मीटिंग में डॉक्टर शॉन क्रेग पैट्रिक की एक प्रेजेंटेशन पेश की गई, जो अमरीकी कौमी दिफाई इस्टेब्लिशमेंट में तजुर्बाकार साइंसदान है, जो ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस की क़यादत कर रहे हैं, जो कि 2022 में अमरीकी फ़ौज के लिए UAP से मुतालिका सरगर्मियों की क़यादत करने के लिए तख्लीक किया गया था। क्रेग पैट्रिक ने गुज़िश्ता हफ्ते नासा के ज़ेरे अहतमाम एक अवामी कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करते हुए फाइव आइस के इज्तिमा का अवामी तौर पर इंकशाफ किया। क्रेग पैट्रिक ने कहा कि मैंने अभी इस मौजू पर अपना पहला फाइव आइस फॉरम मुनक़िद किया है। क्रेग पैट्रिक के दफ्तर की जानिब से बनाई गई एक रिपोर्ट के तनाजर में अमरीकी हुकूमत अब UAP के नज़ारे पर सालाना रिपोर्ट तैयार करती है और कांग्रेस ने हुकूमती वसल ब्रोर्स के लिए देखने की इतला देने का निज़ाम बनाया। क्रेग पैट्रिक ने रियासत हाय मुतहदा की सेनेट के सामने हालिया गवाही में कहा कि मावराय अर्जी सरगर्मी गैर ज़मीनी टेक्नोलॉजी या ऐसी अशिया जो तबीयात के मालूम कवानीन के खिलाफ वर्जी करती हैं के बारे में कोई काबिल एतमाद सबूत नहीं है। मजीद बरां ताज़ा तरीन सालाना UAP रिपोर्ट में मावराय ज़मीन टेक्नोलॉजी के किसी सबूत का हवाला नहीं दिया गया। अमरीका में सदारती इंतखाबात के सिलसिले में माइक पेंस और क्रिस क्रिस्टी ने मुहिम के आगाज पर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका में सदारती इंतखाबात के सिलसिले में माइक पेंस और क्रिस क्रिस्टी ने मुहिम के आगाज पर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार कड़ी तनकीद कर रहे हैं। माइक पेंस और क्रिस क्रिस्टी ने सिलसिले में उन्हें आड़े हाथों लिया। साबिक गवर्नर न्यू जर्सी क्रिस क्रिस्टी ने कहा कि ट्रंप ने अमरीकियों को तकसीम दर तकसीम किया है। ताहम दूसरी तरफ रिपब्लिकन सदारती नामजदगी के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप अवामी मकबूलियत के सर्वे में बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं। माइक पेंस ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे खानदान और कैपिटल हिल पर मौजूद हर शख्स की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद नहीं किया तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यह इलेक्शन लड़ेंगे और इस अमल से रिपब्लिकन पार्टी तकसीम हो सकती है, जो इस पार्टी के लिए बड़ा खतरा है। ख्याल रहे कि पार्टी चाहती है कि ट्रंप को उम्मीदवार नामजद ना करें। माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में नायब सदर थे। उन्होंने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले की मुज़म्मत की थी। माइक पेंस ने कहा, खुद को आइन से
मावरा समझने वाले को अमरीका का सदर बनने का हक नहीं है। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात का सिलसिला जारी और नस्ली तशद्दुद के दौरान एक खानदान के 3 अफराद को एम्बुलेंस में ही जिंदा जला दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात का सिलसिला जारी और नस्ली तशद्दुद के दौरान एक खानदान के 3 अफराद को एम्बुलेंस में ही जिंदा जला दिया गया। हलाक होने वालों में माँ, बच्चा और उनका एक रिश्तेदार शामिल हैं। गैर मुल्की खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नस्ली फसादात के दौरान जलाई गई एम्बुलेंस में 7 साल का बच्चा, उसकी माँ और एक रिश्तेदार मौजूद था। मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी अफराद से हथियार डालने की अपील की है। रियासत मणिपुर में हिंदू और ईसाई बिरादरी में 3 मई से नस्ली फसादात जारी हैं और अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। फसादात के बाइस 35,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।